नमस्कार, ऐसा क्या हुआ जिससे कि पुश्तैनी मकान हमारा नहीं रहा? हमारी आज की कहानी पुश्तैनी मकान। कस्बे के हमारे पुश्तैनी मकान का सौदा हो गया। इसे सामने वाले घर पड़ोसी ने ही खरीदा तो थोड़ी तसल्ली हुई। चलो, घर कुछ कदमी ही पड़ोसी के पास रह गया है। पड़ोसियों का संग साथ पीढ़ियों से रहा था। बीते वर्षों से जब हमारा काम इंदौर में जम गया तो तीनों भाइयों ने यही एक हाउसिंग बोर्ड में ऊपर नीचे तीन फ्लैट ले लिए। इधर अनेक वर्षों में पुश्तैनी कस्बे में चाहकर भी जाना ही नहीं हो पा रहा था। बीकानेर की थली अंचल के हमारे छोटे से कस्बे से उठकर बड़े भैया 30 वर्ष पहले काम की तलाश में इंदौर आ गए थे। विवाह के कुछ माह बाद ही हम दोनों भाइयों को भी भाईजी के बुलावे पर यही आना पड़ा। हमारा काम धंधा कोई बड़ा नहीं है, 2-4 कर्मचारियों के साथ खुद ही हाथ बटाना पड़ता है। कोई भी व्यापारीय कार्य होने पर कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर जाना हो सकता था, नुकसान न हो पर आशंका तो बनी रही है। यूं भी इंदौर काफ़ी सुहाना और मनभावना शहर लगा तो बड़े भैया के सहयोग से हम दोनों छोटे भाइयों ने अपना अपना धंधा यही जमाना ठीक समझा था। देश के पुश्तैनी मकान में माँ बाबूजी अकेले रहते थे। एकाध दिन के लिए हम भाइयों में से कोई एक ना एक जाया करता और उनकी किसी न किसी तकलीफ को हल करके लौट आते। हर बार हम उनके साथ चलने का आग्रह किया करते पर वो ये कहकर टाल दिया करते, इस कस्बे और मोहल्ले के अलावा उनका कहीं भी जी नहीं लगता, वे यहाँ सुख से हैं। हम मन मोस कर रह जाते किंतु दोनों ही जब चलने फिरने से लाचार हो गए तो उनकी न आने की आनाकानी की ज़्यादा परवाह न करते हुए बड़े भैया सुरेश किसी तरह से ठगा पटा कर उन्हें यहीं ले आए थे। वे अक्सर पुश्तैनी घर गवाड़े गली मोहल्ले गांव के लोगों और पुराने ज़माने की बातों को याद किया करते थे। बड़ी भाभी उनकी हर बात को गौर से सुनती तथा अक्सर उन्हें दिलासा दिया करती कि वे जल्दी ही उन्हें कुछ दिन देश ले जाकर लाएगी। मंजले दिनेश भैया की पत्नी यानी मेरी मंजली भाभी तथा मेरी श्रीमती को पुश्तैनी कस्बा अधिक जस्ता नहीं है, इसलिए गांव की बात चलने पर वे दोनों तटस्थ व मौन रवैया रखती हैं। बड़ी भाभी ने भैया और हम दोनों देवरों को राजी भी कर लिया था कि 10 दिन हम अपने गांव के मकान जिसे वे हवेली कहती थी में रहेंगे। 10 दिनों में व्यापार का कोई घाटा नहीं होने वाला, हमारे कर्मचारी सब संभाल लेंगे। यह भी तय हुआ कि जाएंगे तो मकान की मरम्मत और 2 धार्मिक व्रत उद्यापन भी करके आएंगे। पर कहावत है ना, मेरे मन कछु और हरि के हाथ कुछ और होए। कोरोना काल के कहर में थोड़े थोड़े अरसे के बाद माँ बाबूजी दोनों चल बसे। वे कहा करते थे कि उनकी देह देश में गिरे तो मुक्ति मिले, पर इंसान के चाहने से सब कुछ कहाँ होता है। उनके गुजरने पर बड़ी भाभी उदास रहने लगी, वे उनकी सेवा और करना चाहती थी। वस्तुतः भाभी को देश से प्रेम रहा है। वे अपनी शादी के 10-12 साल तक हवेली में माँ बाबूजी के साथ रही हैं। हम लोग जब अपनी पत्नियों को यहाँ इंदौर ले आए और हमने 3 अलग-अलग फ्लैट के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई की बात कहकर अपने दोनों बच्चों के साथ भैया भी भाभी को यहीं ले आए थे। उज्जैन महाकाल की यात्रा के बहाने देश की हवेली के पड़ोसी इंदौर आकर भैया से मिले और अपना मंतव्य साधते हुए सुझाया कि आपका मकान जर्जर हो चला है, आप वहाँ आना कम ही मुमकिन लग रहा है। नाराज मत होना, आप इसे बाजार भाव में हमें दे सकते हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। भैया इस प्रस्ताव से थोड़े से अनमस्तक हुए पर फिर कुछ सोच कर पूछा, मकान का क्या मिल रह सकता है? पड़ोसी ने सरगोशी अंदाज में कहा, भाई साहब यूं तो थोड़ा दूर आपके जितना ही मकान लूं तो 50 में मिल जाएगा, पर आप वाला मेरे घर के ठीक सामने है,
इसलिए 60 दे सकता हूँ। 60 से इसका आशय 60 लाख से था। भैया इस ऑफर से पिघल गए। उन्होंने हम दोनों भाइयों से सलाह ली और हमने कहा, भैया आपको उचित लगे। भाभी ने ज़रूर प्रतिरोध पूर्वक कहा, पुरखों की ज़मीन कोई बेचता है क्या? हम देश जाएंगे, किसके घर में जाएंगे? भाभी के सवाल का ठीक ठीक उत्तर तो हम में से किसी के पास नहीं था, पर भैया ने एक मुर्दा सी दलील रखते हुए कहा कि मारवाड़ और मालवा में क्या अंतर है? अभी व्यापार में 20-20 लाख रुपए डालने से काफ़ी मदद मिल सकती है। जगह का क्या है, कल फिर ले लेंगे। एक दो दिन में ही पता नहीं किस तरह से भैया ने भाभी को मना ही लिया और पड़ोसी अपने साथ राशि लाई हुई ब्याने के रूप में सौंप गया। 2-3 महीने में मकान के सौदे की सारी राशि प्राप्त हो गई। इस बीच 2 दिन के लिए भैया देश गए और मकान के बर्तन चुनी चीज़ों को एक कबाड़ वाले को बेच आए। अब मकान में कुछ नहीं था। मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए बड़े भैया, भाभी और मैं देश आए। मंजले भैया की पावर ऑफ अटर्नी साथ ले आए। देश में हम अपने ही समाज के गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुके। भाभी बार बार मकान में चलने का आग्रह कर हम दोनों भाइयों से कह रही थी। उनके आग्रह का मान रखने के लिए हम दोनों भाई उन्हें साथ लेकर मकान पर आए। बहुत उतावले के साथ भाभी घर में घुसी और एक एक कमरे को खोलकर उन्होंने गौर से देखने लगी। शायद वह पुरानी स्मृतियों याद आई हो। वे बहुत उदास मन से खोई हुई सी हर कमरे को खोल खोल कर देख रही थी। उनकी आंखें भीगी हुई थी। बड़े वाले कमरे को खोलकर उन्होंने कहा कि पड़ोस के कितने लोग हमारे घर इस कमरे में बैठकर ब्लैक एंड वाइट टीवी पर रामायण देखा करते थे और सामान के साथ वह टीवी भी भैया कबाड़ वाले को बेच गए थे। भाभी पिछवाड़े की नाल यानी रास्ता खोलकर देर भाव शून्य सी ठिठकी सी खड़ी रही। वे देख रही थी कि पिछवाड़े की सदा हरी रहने वाली खेजड़ी उदास खड़ी थी। कितने आस चौथ के वर्तों की साक्षी रही है ये। भाभी कुछ पल के लिए खेजड़ी के नीचे खड़ी रहकर भी आई। हमने देखा सब जगह थोड़ी थोड़ी देर खड़ी रहकर भाभी आंखें मूंदे मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। गेस्ट हाउस में लौटने पर मैंने कोतुवंश भाभी से पूछा, भाभी आप मकान में हर जगह ठिठक ठिठक कर क्या बुदबुदा रही थी? भाभी कुछ पल तो खामोश रही। इस प्रश्न से उनकी आंखें भर आई थी, जिन्हें साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, लाला हवेली उलाना दे रही थी और खेजड़ी भी, इसलिए हर जगह से क्षमा मांग रही थी, खेजड़ी से भी क्षमा मांग रही थी। तो वो एक महिला अपने पुश्तैनी मकान को याद करके बहुत दुख कर रही थी। दोस्तों, हमें पुरखों की जमीन जायदाद को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट में सुझाव देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।